प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का किया उद्घाटन। राजस्थान के दौसा का करेंगे दौरा, सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीपी राधाकृष्णन होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। रमेश बैस बनाए गए महाराष्ट्र के राज्यपाल। बिहार समेत कई अन्य राज्यों के राज्यपाल भी बदले। मुख्यमंत्री ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को बताया अहम। राज्य और जनहित में बेहतर कार्य प्रणाली स्थापित करने का सुझाव। और दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात का उद्भेदन। 9 अपराधी गिरफ्तार। देवघर के मधुपुर थाना अंतर्गत चोरी करने के आरोप में 6 पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले समारोह का यज्ञ के साथ उद्घाटन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने समाज के नव निर्माण के लिए भी कई कार्य किए। यही मुझे प्रिय है, मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। अनगिनत महापुरुष लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लाख स्वातंत्र और क्रांतिकारी महर्षि जी से प्रेरित थे। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय शुरू करने वाले महात्मा हंसराज जी हो, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी हो, भाई परमानंद जी हो, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो, ऐसे कितने ही देव तुल्य व्यक्तित्वों ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से ही प्रेरणा पाई। समाज के पास महर्षि दयानंद जी की उन सभी प्रेरणाओं की विरासत है। आपको वो सामर्थ्य विरासत में मिला हुआ है, इसलिए देश को भी आप सभी से बहुत अपेक्षाएं हैं। आर्य समाज के एक एक आर्य वीर से अपेक्षा है। मुझे विश्वास है आर्य समाज राष्ट्र और समाज के प्रति इन कर्तव्य यज्ञों को आयोजित करता रहेगा। यज्ञ का प्रकाश मानवता के लिए प्रसारित करता रहेगा। अगले वर्ष आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष भी आरंभ होने जा रहा है। ये दोनों अवसर महत्वपूर्ण अवसर है। और अभी आचार्य जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के मृत्यु तिथि के 100 साल यानी एक प्रकार से त्रिवेणी की बात हो गई। महर्षि दयानंद जी स्वयं ज्ञान की ज्योति थे। हम सब भी इस ज्ञान की ज्योति बने। जिन आदर्श और मूल्य के लिए वो जिए, जिन आदर्श और मूल्यों के लिए उन्होंने जीवन खपाया, के हम लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़े चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शुरुआत होगी और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी भी वहां लगाई गई है। आर्य समाज की युवा शक्ति, हम जानते हैं कि आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देता है और किस तरह से देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागृति में एक अहम व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको आज एक बार फिर याद करने का मौका है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम देखते हैं कि एक दिन भारत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करता है, दूसरे दिन यहां पर महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तो हम साफ तौर पर देखते हैं कि जिस तरह से अगर भारत स्पीड और स्केल के रास्ते पर आगे बढ़ चला है, लेकिन साथ ही साथ विकास के साथ साथ आध्यात्मिक की अगर बात करें, अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़ने की बात करें, तो उसकी भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है पूरे विश्व के सामने कि कैसे विकास और आध्यात्म और संस्कृति एक साथ चल सकते हैं, हम सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौसा का दौरा करेंगे और सड़क परियोजना की सौगात देंगे। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के तहत बनने वाले दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करोड़ों रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी 12% की उसमें कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1424 किलोमीटर से कम होकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, वहीं अब 12 घंटे लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे। श्री मोदी 13 से 17 फरवरी तक बंगलुरु में आयोजित होने वाले एयरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। एयरो इंडिया 2023 की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एयरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों प्रौद्योगिकियों को दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए स्वदेशी एमएसएमई और स्टार्टअप का एकीकरण भी संभव होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। इसके जरिए विदेशी निवेश सहित सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी भी आमंत्रित की जाएगी। एयरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश भाग लेंगे। लगभग 30 देशों के मंत्री और वैश्विक व भारतीय OEM के 65 CEO के भी एयरो इंडिया 2023 में हिस्सा लेने की संभावना है। एयरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की उन्नति, एरोस्पेस में वृद्धि और रक्षा क्षमताओं को पेश करेंगे। झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल होंगे। रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। फागु चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को अहम बताया है। रांची के नामकुम स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सभागार में झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के पहले प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निर्णय लेती है, लेकिन उसे धरातल पर उतारने का काम अधिकारी कर्मचारी करते हैं। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों कर्मचारियों से कहा कि वे एक बेहतर कार्य प्रणाली स्थापित करें, ताकि जन आकांक्षाएं हकीकत बन सकें। श्री सोरेन ने कहा कि एक ऐसा झारखंड बनाएं, जहां का हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो और पूरे मान सम्मान से जीवन यापन कर सके। कि सरकार के पास आंख भी है, कान भी है, नाक भी है और दिल भी है,
और संवेदनशीलता के साथ संवैधानिक रूप से नियम कायदे कानून संविधान जो भी नियम संगत है निश्चित रूप से उस सबको पूरा किया जाएगा। हम लोग आप सब लोगों को मेरी ओर से आपके इस प्रथम अधिवेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस सिलसिले में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। रामगढ़ उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 27 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 2 मार्च को वोटों की गिनती कराई जाएगी। उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला यूपीए समर्थित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बजरंग महतो और एनडीए समर्थित आसू पार्टी प्रत्याशी सुनीता चौधरी के बीच होने की प्रबल संभावना है। ये सीट निचली अदालत द्वारा कांग्रेस विधायक ममता देवी को सजा सुनाए जाने और फिर बाद में उन्हें अयोग्य करार दिए जाने की वजह से खाली हुई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.09% बढ़ा है। चालू वर्ष में रिफंड अदायगी के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह 12,98,000 करोड़ रूपये रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18.4% अधिक है। वर्ष 2022-23 की अब तक की कुल प्राप्ति प्रत्यक्ष कर बजट आकलन का 91.39% है, जबकि संशोधित आकलन का ये 78.65% है। चालू वर्ष में व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर 29.63% है, जबकि कॉरपोरेट कर की वृद्धि दर 19.33% है। गुमला में उपायुक्त की उपस्थिति में सांसद आदर्श ग्राम और रूबर्न मिशन के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने रूबर्न योजना में हेल्थ सेंटर, इंटरनेट और लाइब्रेरी की सुविधा बढ़ाने पर बल दिया। सांसद आदर्श ग्राम योजना में कृषि को बढ़ावा देने की हिदायत दी गई। संबंधित अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रम और आयुष्मान कार्ड दिलाने के लिए 15 मार्च तक का लक्ष्य दिया गया। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर थाना क्षेत्र में चोरी के वारदात में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के एक मामले का उद्भेदन करते हुए 9 अपराधियों को धर दबोचा है। एक कांड दर्ज किया गया था चोरी का, जिसमें से लगभग 45,000 रूपया नगद, कुछ जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह का बात सामने आई थी चोरी की घटना की। और उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसी के उद्भेदन को लेकर के 6 तारीख को कांड दर्ज किया गया और उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें से करीब 35,000 रूपया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आगामी 19, 20 और 21 फरवरी को चतरा जिले में आयोजित होने वाले इटखोरी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर कई अहम दिशा निर्देश दिए। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची में अपने आवास पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ बैठक कर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर साझा रणनीति पर मंथन किया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न पुलिस क्लस्टर एवं संवेदनशील बूथ तथा पॉकेट्स का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त के साथ संयुक्त रूप से कल्याण विभाग द्वारा संचालित भीलवाड़ा अनुसूचित जनजाति आश्रम आवासीय विद्यालय एवं दीपूगढ़ा आदिम जनजाति प्राथमिक बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। दुमका उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के नियमित स्थल जांच तथा प्रखंड कार्यालयों में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करने के संबंध में समुचित दिशा निर्देश दिए। खूटी के अड़की और साइको क्षेत्र के हिसिलपीढ़ी एवं ओनोंग ओड़ा गांव में लगभग 6 एकड़ में लगे अवैध अफीम की फसल को विनिष्ट किया गया।
रांची सांसद संजय सेठ की मौजूदगी में सांसद खेल महोत्सव को लेकर भाजपा रांची महानगर कार्यालय में एक बैठक हुई। महानगर समिति के साथ सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री तथा मोर्चा के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सांसद खेल महोत्सव की सफलता को लेकर विस्तार से सभी विषयों पर चर्चा हुई। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित चतरा जिला परिभ्रमण के कार्यक्रम के मद्देनजर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचकर प्रशासनिक तैयारी एवं विधि व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही जरूरी निर्देश दिए। पाकुड़ में राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर गठित विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी एवं सहयोगी पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त ने बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा उपायुक्त ने मझियाओं प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर वहां उपस्थित आमजनों से संवाद किया। उन्होंने मझियाओं नगर पंचायत कार्यालय का निरीक्षण कर वहां के सफाई कर्मियों से भी बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। रांची पुलिस द्वारा दशमफॉल थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़ा और हांजिंद में सीआरपीएफ के सहयोग से करीब 6 एकड़ में लगे अवैध अफीम के पौधे को विनष्ट किया गया। दुमका उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के 100% आच्छादन, आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर संबंधित पदाधिकारियों को कार्ययोजना बनाते हुए ससमय लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशित किया। पाकुड़ शहर के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में जिला प्रशासन और बीजीआर कोल कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय जनजाति सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। रांची पुलिस ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित हेतु बस्ती में एक व्यक्ति को अवैध पिस्टल, मैगजीन एवं 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। बाद में गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में आंचलिक खादी और पीएमईजीपी महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय सांसद संजय सेठ ने किया। कार्यक्रम में विधायक सीपी सिंह, खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूर्वी क्षेत्र के सदस्य मनोज कुमार सिंह के अलावा कई और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार खादी को बढ़ावा और खादी के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर स्वरोजगार रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो प्रयास हुआ उसका जीता जाता उदाहरण है। 5 लोग भी एम्प्लॉयमेंट पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 1,08,000 यूनिट्स में कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाला एकलौता कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। गोड्डा के गांधी मैदान में आतिशबाजी के साथ कल रात गणतंत्र मेला का समापन हुआ। गणतंत्र मेला में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। भव्य पाइका नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का दिल मोह लिया। गुमला के साकेत मिंच ने राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स मीट का की 600 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर राज्य और जिले का नाम रोशन किया है। गुमला के उपायुक्त ने ट्वीट कर फोटो साझा करते हुए कहा कि साकेत मिंज ने सिल्वर मेडल लाकर जिले को गौरवान्वित किया है। बाबा नगरी देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन द्वारा शिव बारात के रूट लाइन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन की पहल पर रूट लाइन में निर्बाध बिजली आपूर्ति के अलावा सुरक्षा दृष्टिकोण के लिहाज से बिजली के खंभों की जांच की जा रही है, साथ ही तारों की मजबूती को देखा जा रहा है। कई जगहों पर अतिक्रमण मुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि शिव बारात के दौरान आमजनों को आवागमन में कोई असुविधा न हो। गुजरे जमाने के चरित्र अभिनेता प्राण की आज जयंती है। आइए उनसे जुड़े कुछ कर्णप्रिय गीतों को देखते हैं। बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय। नटखट रंगीले आवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ संवरिया हाय हाय। ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया, ओ गुजरिया। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक मेम शाब है साथ में शाब भी है, एक मेम शाब है साथ में शाब भी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाब भी खूबसूरत है, दोनों पास। राज्य के अधिकांश जिलों में अभी भी न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिसकी वजह से रात के समय लोगों को अभी भी ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में काफी अंतर देखा जा रहा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 और उससे ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों तक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के आसार हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में हवा की रफ्तार भी कुछ अधिक देखी जा रही है। खूंटी में किसान कल्याण और कृषि विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि अन्नदाताओं की आमदनी दोगुनी हो सके। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र के किसानों को कर्रा प्रखंड के किसान पाठशाला में एक्सपोजर विजिट कराया गया। इस दौरान किसानों ने कृषि के उन्नत तकनीकों को जाना, साथ ही वे पशुपालन और मत्स्य पालन के तौर तरीकों से भी अवगत हुए। जमशेदपुर में टाटा कंपनी एक छोटे से पार्क का निर्माण करवा रही है, जिसमें आपको हजारों साल पुरानी कला के माध्यम से फूड चेन को देखने का अवसर मिलेगा। जमशेदपुर का जुबली पार्क पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन टेल्को में बन रहा यह छोटा सा पार्क कालजयी होगा। दरअसल इस छोटे से पार्क के एक तरफ एक विशाल चट्टान है, जिसे टाटा कंपनी ने अनोखे सोच के साथ हजारों साल पुरानी कलाकृति से सजोने का काम किया है, जिसमें फूड चेन प्रदर्शनी प्रदर्शित की जा रही है। इस चट्टान को बंगाल से आए चित्तो डे और उनकी टीम द्वारा इन फिटू रोक टार्विंग से तराशा जा रहा है, जिसे प्राचीन काल में शिलालेख के नाम से जाना जाता था। फूड चेन मतलब ये मान लीजिए, ये जो आउल है, आउल खाता है चुहा को, चुहा खाता है पेड़ को। अगर चुहा को आउल नहीं खाएगा, आउल नहीं है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा पेड़ खत्म हो जाए। इसीलिए इसको कहते हैं फूड चेन, इट्स फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। चट्टान में शिलालेख के लिए माहिर चित्तो डे ने बताया कि इस कला का नमूना पूरे भारत में देखा जा सकता है। बिहार का बरबरा गुफा, अजंता और चेन्नई में महाबलीपुरम जैसे कई जगह आपको यह प्राचीन कला देखने को मिल जाएगी। खूंटी में जैसलमेर से सहयोग और प्रोत्साहन पाकर सखी मंडल की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। बाजारटांड के पलाश मार्ट स्थित जैसलमेर की तुलसी महिला मंडल आजीविका दीदी कैंटीन में ट्रेडिशनल पीठा का जायका लोगों को खूब भा रहा है। ट्रेडिशनल पीठा का जायका अब खूंटी के बाजारटार पलाश मार्ट में भी लिया जा सकता है। यहां आजीविका दीदी कैंटीन में जेएसएलपीएस की तुलसी महिला मंडल से जुड़ी चार दीदियां चावल, चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल और खोआ का पीठा बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में जुटी हैं। दीदी कैंटीन के पीठे का एक बार स्वाद चखने वाले इसे बार बार खाना चाहते हैं। ये पीठे खाने में लजीज तो होते ही हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर हैं। मतलब ये हम लोग को काम मिला जिला ऑफिस की तरफ से, हम लोग कर रहे हैं चार दीदी मिलकर। यहाँ हम लोग को प्लास मार्ट में दिया गया है, मतलब अपना चलाने के लिए
पीठा की वजह से खूटी बाजारटार के पलाश मार्ट स्थित इस आजीविका दीदी कैंटीन की चर्चा आजकल हर ओर है। दीदियां यहां पीठा का व्यवसाय कर अपनी आमदनी दोगुनी करने में जुटी हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी संबल मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा इसको बनाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग का मुनाफा इसमें अच्छा हो जाता है। खूटी बाजारटार के पलाश मार्ट स्थित इस आजीविका दीदी कैंटीन में नाश्ता और भोजन का उत्तम प्रबंध होने के कारण यहां 10 से 15 किलोमीटर दूर से भी लोग खाने का ऑर्डर देने चले आते हैं। दीदियों के पास यहां इतने ऑर्डर हैं कि उन्हें काम से फुर्सत नहीं है। तुलसी महिला मंडल के हैं हम लोग, चार दीदी मिलकर यहाँ पर चलाते हैं कैफे को। तो अभी काफी जगह से आया है, जैसे दिगड़ी हुआ, हंसा हुआ, गनालोया हुआ, मुढ़ू हुआ, और इधर सोईको तरफ हुआ, अभी मतलब 10-15 जगह से ऑर्डर आया हुआ है। निश्चित रूप से पारंपरिक व्यंजन पीठा का जायका इन दीदियों के जीवन में खुशियां बिखेर रहा है, जो नए भारत में आधी आबादी के सशक्तिकरण का प्रमाण है। खूटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। रांची में एक परिवार है जिसकी पहचान स्मार्ट किसान के रूप में बन गई है। व्यावसायिक खेती में माहिर ये परिवार नई तकनीक के साथ स्ट्रॉबेरी और केला समेत अन्य फलों का उत्पादन करता है। रांची जिले के टैरो पंचायत के खुदारखो ग्राम निवासी वीरेंद्र कुमार महतो एक ऐसे युवा किसान हैं जिन्हें इलाके में लोग स्मार्ट किसान के रूप में जानते हैं। वजह यह है कि वीरेंद्र कृषि कार्य में ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके स्ट्रॉबेरी और केला समेत अन्य व्यावसायिक फसल का जमकर उत्पादन करने के साथ खूब मुनाफा कमा रहे हैं। हम लोग पुराने समय में परंपरागत खेती के तौर पर सीधी सिंचाई किया जाता था, उसमें अधिक से अधिक जल खर्च होता था। अधिक आपको थोड़े से खेत में, थोड़े से जल में आप अधिक खेती नहीं कर सकते हैं, और अगर यदि कम पानी में ही आपको अधिक बड़े से क्षेत्र में खेती करना है तो आपको नए पद्धति, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर, ये सब का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे आप अधिक क्षेत्र में और अधिक उपज ले सकते हैं। उच्च शिक्षा हासिल कर रही वीरेंद्र कुमार की पत्नी यमुना कुमारी भी कंधे से कंधा मिलाकर पति के साथ खेती बारी करती है। उन्हें इस बात की अधिक खुशी है कि पहले की तुलना में अब उनके घर की माली हालात में काफी सुधार आया है, और यह सब संभव हुआ है कृषि से। पहले हमारे पास पैसा का बचत होती थी, लेकिन काफी अच्छा नहीं हो पाती थी, वो खर्च हो ही जाता था। लेकिन अब जो है जैसे हम लोग नए नए फसल ये वो कर रहे हैं तो पैसा अच्छा से ही बच रहा है, जिससे हम लोग और भी उसको कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। वीरेंद्र कुमार का परिवार पहले से खेती करते आ रहा है। उनकी माँ बताती है कि शुरुआती दौर में उनके घर में पारंपरिक तरीके से गेहूं, धान और आलू प्याज की खेती की जाती थी। वे कहती हैं कि बेटे की सूझबूझ से उनके घर में अब नए तरीके से खेती होने लगी है, जिसका लाभ पूरे परिवार को मिल रहा है। जिस समय हम आए थे यहाँ, उस समय केवल धान, चावल, गेहूं, आलू, प्याज, इतना ही खेती होता था। लेकिन आजकल तो मेरा बेटा जब बढ़ गया, उस टाइम से खेती का सब अलग हो रहा है। ग्रीन हाउस लगाया, पॉली हाउस लगाया, फिर स्ट्रॉबेरी खेती कर रहा है, केला खेती कर रहा है, खेती से अलग अलग कमा रहा है। उसके कमाई से आप खुश रह रहे हैं, हर सपोर्ट हम लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और सब कोई खुश हैं। वर्तमान समय में स्मार्ट खेती के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि किसान अधिक और टिकाऊ उपज प्राप्त कर अपने जीवन स्तर में सुधार ला सके। वीरेंद्र कुमार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दी है, जरूरत है अन्य किसानों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने की। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह का किया उद्घाटन। राजस्थान के दौसा का करेंगे दौरा, सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीपी राधाकृष्णन होंगे झारखंड के नए राज्यपाल। रमेश बैस बनाए गए महाराष्ट्र के राज्यपाल। बिहार समेत कई अन्य राज्यों के राज्यपाल भी बदले। मुख्यमंत्री ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को बताया अहम। राज्य और जनहित में बेहतर कार्य प्रणाली स्थापित करने का